हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स प्रेडिक्शन। मैं आपको यहां पे देने वाला हूं मैच का प्रेडिक्शन जो कि होने वाला है दिल्ली कैपिटल वर्सेस केकेआर के बीच में। गाइस, और ये मैच होने वाला है शेख जायद स्टेडियम में। ये 42nd मैच है गाइस, बहुत ही कम मैचेस बचे हैं। आई थिंक टोटल 59 मैचेस होने वाले हैं टॉप फोर की पोजिशन के लिए, और 59 में से अब केवल 18 मैचेस बाकी है गाइस। अब हम बात करते हैं यहाँ पे 42nd मैच की जो कि दिल्ली वर्सेस केकेआर के बीच में होने वाला है। दिल्ली और केकेआर का अगर मैं आपको एनालिसिस बताऊं गाइस, तो दिल्ली सेकंड रैंक पे है। वहीं पे अगर मैं बात करूं केकेआर की तो फोर्थ नंबर पे है। दोनों ही टीम के लिए यहाँ पे मैच जीतना बहुत जरूरी है, दिल्ली को अपने रैंक कन्फर्म करने के लिए और केकेआर को एटलीस्ट टॉप फोर की रेस में लगे रहने के लिए गाइस। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सी टीम अपना दमखम दिखाकर मैच ले जाती है गाइस। मैं आपको ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि ऑलरेडी दो मैचेस बाकी हैं, दोनों मैच के प्रेडिक्शन आपको देखने हैं गाइस। तो अब मैं आपसे बात करता हूँ मेरे चैनल की। तो अगर आप मेरे फैन हैं, अगर आप मेरा चैनल देख रहे हैं, तो गाइस सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो जल्दी से जल्दी आपको मिल पाए। साथ ही साथ आप मेरे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज पे भी मुझे स्पोर्ट्स प्रेडिक्शन मैप भाई के नाम से सर्च करके फॉलो कर सकते हैं गाइस। यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ मैच प्रेडिक्शन की जो कि देने वाली है अब भाई यू। Audio Jungle. तो दोस्तों यहाँ पे पहिन अपना प्रेडिक्शन दिया है जैसा कि आप देख चुके हैं, और दोनों टीम में से जिस टीम को उसने पिक किया है वो है कोलकाता नाइट राइडर, यानी कि कोलकाता नाइट राइडर यहाँ पे मैच जीतने का मादा रखती है। और कोलकाता नाइट राइडर यहाँ पे मैच जीत गई अगर तो वो कहीं ना कहीं थर्ड या फिर सेकंड रैंक पोजीशन पे आ सकती है अगर बहुत अच्छे मार्जिन से जीतती है गाइस। तो अब यहाँ पे देखना होगा कि इन दोनों टीम्स के बीच में सच में क्या भिड़ंत होती है, क्या ये बहुत ही अच्छी शानदार पारी, कौन सा प्लेयर यहाँ पे खेल पाता है और कौन सी टीम यहाँ पे अपनी विनिंग पोजिशन कहाँ रखती है गाइस। सो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, बेस्ट ऑफ लक।